आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम व ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 17 साल नौजवान की हुई मौत। 17 साल अब्दुल रहमान का खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। राजभवन के रूबरू खैरताबाद पर इस हादसे में अब्दुल रहमान की मौत हो गई। तेजी से डिवाइडर से टकराते हुए तेज नोकीले ग्रिल्स पर गिर गए जिससे उनकी मौत हो गई। तेलंगाना रियासत में तेलंगाना फॉर्मेशन डे का जश्न मनाया गया। इस मौके पर तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव प्रगति भवन पर खुशी अंजाम दिए और नेशनल एंथम भी गाए और मिठाइयां तकसीम की गई। इस मौके पर वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल करने वाली निखत जरीन को इस मौके पर 2 करोड़ रुपए से नवाजा गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी मीडिया से बात करते हुए कश्मीरी पंडित्स के मसाइल के ताल्लुक से बात किए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मसरूफ है फिल्म प्रमोशन में लेकिन कश्मीरी पंडित्स की हिफाजत में नाकाम है। 1989 में हमने की थी वो गलती, वही उसी लाइन पर गलती नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। 1989 में भी ऐसा ही हुआ था कि पॉलिटिकल आउटलेट को बिल्कुल बंद कर दिया गया था, पॉलिटिशियंस को, वैली के पॉलिटिशियंस को बोलने की इजाज़त नहीं थी, और वही गलती बीजेपी की सरकार कर रही है। 1987 का जैसे इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन था वो, और 89 में उसका कहीं मेजा भुगतना पड़ा। अब जो नया डिलिमिटेशन मोदी सरकार बनाई, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जेरीमाइंडरिंग। ये दूसरा ये है कि पॉलिटिकल लीवर्स जो है वो वैली के पॉलिटिशियन के पास होना, आप तो लीवर छीन लिए। तीसरी बात ये है कि आप सिर्फ पिक्चर बनाने में प्रमोशन में आप ये समझ रहे कि कश्मीरी पंडित का हमला पिक्चर प्रमोशन से होगा। अब आप देख लो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको, और ये हो गया कि रात में आपको जहां पर हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं वहां पर उनको आपको बंद करना पड़ रहा, उनको भागने से रोकना पड़ रहा आपको। तो ये पूरी गलती जो हमने 89 में की, वही गलती मोदी सरकार कर रही है और पिक्चरों को प्रमोट कर रही है। कश्मीरियों को पंडित को इलेक्टोरल इशू की तरह देखते, इंसान की तरह नहीं देखते। वहाँ के पॉलिटिशियंस को आप बोलने की इजाज़त नहीं देते, पॉलिटिकल लीवर्स पूरे बंद कर दिए आप। तो यही चीज़ों की वजह से आज ये तमाम टेररिज्म हो रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार पर आती है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। मगर आप ये बताइए कि एक प्राइवेट व्हीकल में हमारे सिपाही जा रहे हैं और उस प्राइवेट व्हीकल में ब्लास्ट हो गया, किसने किया भाई ब्लास्ट? ये सरकार आपकी है। वहां पर कश्मीरी पंडितों को गोली मारी जा रही है, जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनको गोली मारी जा रही है, कौन जिम्मेदार है इसका? नरेंद्र मोदी की सरकार किस पे जिम्मेदारी आयद करेगी इसका हमको बताएं, देश को बताएं। लेकिन सर, नहीं, क्या इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इसकी जिम्मेदारी देश की सरकार पर आयद होती है, जो मोदी सरकार पर आयद होती है। आप नहीं रोक पा रहे, आपकी नाकामी है और वही गलती कर रहे हैं। देखिए नाज़रीन, ये तस्वीरें हैं यमुना नदी की जहाँ पर गंदगी और टॉक्सिक फॉर्म पानी पर तैरता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं यमुना नदी दिल्ली से। तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर कांग्रेस पार्टी जश्न मनाए गांधी भवन हैदराबाद पर। इस मौके पर फेरोज खान, जगारेड्डी, हनुमंत राव, दिगर कांग्रेस लीडर्स शिरकत किए तेलंगाना डे की खुशी में। खबर है गच्चीबौली पुलिस स्टेशन हदूद से जहाँ कृति नामी लड़की ने अपने आप को फांसी देते हुए खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कृति अमेजोन गच्चीबौली पर काम कर रही थी। कृति को फौरन सनशाइन हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर्स ने कृति को मुर्दा करार दिया। कृति के वालिद वालदा जम्मू कश्मीर से है। फिलहाल कृति के मौत के ताल्लुक से तहकीकात जारी है। एक केस दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। हैदराबाद कस्टम्स ने एक मुसाफिर को गिरफ्तार किए जो दुबई से आया था और उसके कब्जे से 3 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया गया जिसकी कुल कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। तेलंगाना बीजेपी सदर संजय कुमार ने बरहमी का इजहार किए कांग्रेस लीडर चारमीनार मस्जिद खोलने की मांग करने पर। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उन्हें जून 8 तारीख को हाजिरी देने की गुजारिश की हेराल्ड फंड्स के तहकीकात के ताल्लुक से। मेटा के तहत चलाए जाने वाले व्हाट्सएप बुध के दिन ऐलान किए के करीब 16 लाख से ज्यादा बुरे और खराब अकाउंट्स बैन कर दिए गए।
इंडिया में अप्रैल के महीने में आईटी रूल्स 2021 के तहत। इसके अलावा मार्च के महीने में 18 लाख से ज्यादा अकाउंट्स डिलीट किया गया जो खराब थे और बुरे थे। साइबर क्राइम पुलिस ने हाई कोर्ट एडवोकेट खवी अब्बासी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है खवी अब्बासी एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए बीजेपी स्पोक्स पर्सन नूपुर शर्मा के खिलाफ, नूपुर शर्मा का कत्ल करने 1 करोड़ रुपए के ऐलान के खिलाफ। उन्हें गिरफ्तार किया गया हैदराबाद से। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे।